दोस्तों एसी जॉइंट का डिसलोकेशन या कंधे की हड्डी का ऊंचा उठ जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में समाज में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर जगह तो जब इसका कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है, और कुछ जगह ऑपरेशन होता है तो इतने प्रिमिटिव तरीके से ऑपरेशन किया जाता है कि वो सक्सेस नहीं होता। इसमें कुछ लोग एक स्क्रू डाल देते हैं जो ऊपर से नीचे जाता है, तो वो स्क्रू, उसको बोसवर्थ स्क्रू कहा जाता है दोस्तों। और बोसवर्थ स्क्रू सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है। उसमें क्या होता है कि कई बार स्क्रू टूट जाता है, कई बार कोरेकॉइल टूट जाता है, ऐसी दिक्कतें आती है। उसकी जो दूसरी टेक्निक है उसको कहते हैं एंडो बटन टेक्निक, जिसमें ऊपर और नीचे एंडो बटन लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। और इसकी सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है ऑटोग्राफ्ट हैमस्ट्रिंग टेक्निक। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बॉडी का ही नेचुरल ग्राफ्ट लेकर और उससे हड्डी को सेट कर देते हैं, जिससे कि ऊंची उठी हुई हड्डी एकदम लेवल में आ जाती है। इस हमारे साथ वसीम अकरम जी हैं जिनके की कंधे की हड्डी ऊंची उठ गई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही थी। एक तो कंधे में ताकत कम लगती थी, दूसरा लोग इनको टोकते भी थे कि आपका कंधा ऊंचा उठा हुआ लग रहा है। तो ये हमारे संपर्क में आए थे। आइए इनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे ये इनको चोट लगी, कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अररिया बिहार के रहने वाले हूँ। आपको कंधे की चोट थी, वो कैसे लग गई थी? मुझे क्रिकेट खेलने में मैं स्लिप कर गया था, उसमें मुझे उसी दिन मेरा कंधा जो है ना ये पोजीशन खड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा, और अजीब दिख रहा था। तो आपने वहाँ लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था बिहार में? जी, मैं उसी दिन दिखाया था, तो उसने हमें बताया कि ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, कुछ मैं दवाइयाँ लिख के देता हूँ और इसे आप यूज़ करो और खाओ। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि ये ऐसे ही रह जाएगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है? इलाज नहीं है वहाँ के लोकल डॉक्टर। दोस्तों काफ़ी सारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि एसी जॉइंट एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी जगह इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग अगर आप जाओगे तो पट्टा भी बांध देंगे, आपके बैंडेज बांध देते हैं, वो बैंडेज बांध के ये उम्मीद करते हैं कि हड्डी चिपक जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जिस दिन आप बैंडेज हटाओगे उसी दिन हड्डी दोबारा आपके कान के पास पहुँच जाएगी। तो फिर आपने मेरे बारे में रिसर्च कैसे की? मैंने यूट्यूब के जरिए आपके बारे में रिसर्च की। आपने क्या सर्च किया था यूट्यूब पे? मैंने एसी जॉइंट लिखा था, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया। अच्छा, ने आपको बता दिया था कि एसी जॉइंट है? वहाँ पे मुझे बता दिया था कि एसी जॉइंट डिसलोकेशन है। ओके ओके। सर्च किया तो आपके नाम आया और डॉक्टरों के नाम आए, दिल्ली गुड़गांव के भी आए। हाँ। तो उनसे भी मैंने बात की तो उसने काफ़ी खर्च बताया। गुड़गांव में जो खर्च बताया गया था और हमारे यहाँ जो खर्चा हुआ, हमारे यहाँ तो आपका ऑपरेशन 60,000 रुपये में हुआ है, गुड़गांव के अंदर जो खर्चा था वो कितना बताया गया? लगभग 2-3 गुना समझिए, 2-3 लाख के करीब। जी। दोस्तों बड़े शहरों में हमेशा चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ महंगी होती है, वहाँ पर ज़मीन महंगी है, वहाँ का किराया महंगा है। तो अब मान के चलिए कि जयपुर में जो इलाज हमारे अस्पताल में 60-65 हज़ार में होगा, वो गुड़गांव में, अहमदाबाद में आपका 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख में होगा। और अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि मैंने 2.5 लाख रुपये खर्च कर दिए तो बहुत बड़ा इलाज हो गया, तो वैसा भी नहीं होगा। जो कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन मानसिक संतुष्टि आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपको 5-7 बार गुड़गांव जाना पड़ गया तो आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कत आएगी। एक बड़ा शहर है, वहाँ पर सफ़र करना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पर तो फ़ायदा ये रहता है कि हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, तो बार बार आपको आना भी नहीं पड़ता। तो वसीम, जब आप जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे, आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। और हमें दर्द का डर था सबसे ज़्यादा कि कटिंग होंगे तो दर्द ज़्यादा हो, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आपको ऑपरेशन में कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया? नहीं चला हमें, मात्र 2 मिनट हमें लगा कि ऑपरेशन थिएटर में गए, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। तो आप इस ऑपरेशन से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? कैसा लगा आपको यहाँ पे कि मतलब अगर कोई बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और गुड़गांव, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की तरफ मुंह करना चाहते हैं, 4-5 लाख रुपए का खर्चा करना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? मैं ये उनको सलाह देना चाहूँगी बेस्ट यहाँ रहेंगे और यूट्यूब पर डॉक्टर नवीन शर्मा जी से मिलें और उनसे बात करें, और काफ़ी आपको फ़ोन पर ही अच्छी तरह बता देंगे, और यहाँ आने के बाद भी जो भी आपको चार्जेज वहाँ ज़्यादा लगेंगे यहाँ बहुत कम में हो जाएंगे चार्जेस। अच्छा, काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं ऐसे अस्पताल उनको धोखा दे के बुला भी लेते हैं कि बता तो देते हैं, 50-60 हज़ार जब आते हैं तो लग जाते हैं 1 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ महसूस हुआ? जी, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैंने भी आपसे भी पूछा था कि क्या होटल में रहना होगा या यहाँ के फीस होंगे, बेड फी होंगे, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, बेड फ्री हैं, सिर्फ आपको खाने के चार्ज देना, और बहुत ही सस्ते यहाँ चार्ज हैं खाने के, 100 रुपया पर डे ऐसे पड़ रहे हैं खाने। तो और जो खाने की क्वालिटी है वो आपको कैसी लगी? जी, बहुत अच्छे खाने की क्वालिटी है। दोस्तों जो हमारा मेन उद्देश्य है इस अस्पताल के पीछे वो जन सेवा है। हम लोग ठीक है, प्रोफेशनल तो रवैया रहता ही है, लेकिन साथ ये भी चाहते हैं कि चार्जेज इतने अनाप शनाप भी नहीं बढ़ा दिए जाएं कि एक गरीब इंसान उसको या मिडिल क्लास का एक इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। आज ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया है दोस्तों कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप बड़ी जगह तो जाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे में हमारा अस्पताल एक आशा की किरण है, हज़ारों लोगों ने यहाँ पे ACL आके कराए। आप सोच सकते हैं कि अगर ACL की कॉस्ट को हम लो नहीं करते तो आप 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपये
कहाँ खर्च करते और कहाँ ये ऑपरेशन कर पाते। तो वसीम को मैं बधाई देता हूँ इस जगह का चुनाव करने के लिए। अगर आपको भी एसी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो अपनी जो रिपोर्ट है वो मुझे नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए। इसके अलावा अगर आपको क्लेविकल फ्रैक्चर है तो वो रिपोर्ट भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लेविकल का इलाज भी हमारे यहाँ पर बहुत ही 100% सेटिस्फेक्शन से किया जाता है। क्लेविकल फ्रैक्चर का भी दोस्तों ऐसा है, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है और हल्का सा हड्डी हिला है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिल गया तो वो भी ऑटोमेटिकली नहीं जुड़ता है, उसके लिए भी एक प्लेट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वसीम बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी हम फ़ोन पे आपको हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि आप 100% सेटिस्फाइड हो जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।